अब भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन करेगी पेनिसिलिया बायोटेक, डीसीजीआई ने दी मंजूरी। वहीं राफेल विवाद पर बोली भाजपा, गांधी परिवार को कमीशन नहीं मिला इसलिए कांग्रेस उठा रही है कई सवाल। बिहार सरकार ने किया ऐलान, अब बिहार में कोविड पाबंदियों में छूट, 11वीं-12वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। योग गुरु रामदेव बाबा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को होगी कार्रवाई, जांच पर रोक लगाने के लिए लगाई गई अर्जी। वहीं जम्मू कश्मीर के 13 जिलों में आज से रेस्टोरेंट, बार और इंडोर खेल परिसर 50% क्षमता से खुलेंगे। पाकिस्तान का बुनियाद आरोप, पीएम इमरान बोले हाफिज सईद के घर पर हमले की प्लानिंग और फाइनेंस में भारत का हाथ, पाक एनएसए का दावा, मास्टरमाइंड ड्रॉ का एजेंट। यूएस आर्मी के वापस जाते ही तालिबान आक्रमक, तालिबान का फरमान महिलाएं अकेले ना निकले, पुरुष दाढ़ी रखें, अफगानिस्तान में कब्जे वाले इलाकों में काले नियम लागू। अक्टूबर में आईपीएल को 2 नई टीमें मिलेंगी, 20,000 करोड़ का है बेस प्राइस, दिसंबर में होगा मेगा ऑक्शन। आज से एंडी जैसे के हाथ में होगी अमेजोन कंपनी की कमान, पूरे 27 साल बाद जेफ बेसोस ने छोड़ा सीईओ का पद। वहीं कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्यनारायण की कथा के मेकर्स पर कार्रवाई करेगी मध्य प्रदेश की सरकार, पहले ही बदला जा चुका है फिल्म का नाम।